देश के भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के माध्यम से सेवा का कार्य अपने हाथ में लेंगे। हम जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के एक शख्सियत, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को पड़ता है और उस बार वो 70 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सेवा सप्ताह, क्योंकि उनके जीवन में और उनके जीवनी में अगर हम देखें तो सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत की सेवा, जनता की सेवा, दीनदयाल की सेवा, दलित की सेवा, पिछड़े की सेवा, शोषित की सेवा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसकी सेवा करना, यह उनका जीवन का ध्येय रहा, लक्ष्य रहा। इसको हमको समझना चाहिए। हम लोगों ने तय किया है 70 साल है, इसलिए हर एक जिले में 70 स्थानों पर स्वच्छता का कार्यक्रम होगा, 70 जगहों पर फल वितरण का कार्यक्रम होगा, हॉस्पिटल में जाकर के हमारे मरीजों के लिए उनकी देखभाल करने का काम होगा, 70 स्थानों पर 70 कम से कम ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो और ब्लड डोनेशन में भी प्लाज्मा डोनेशन का काम हो, इसको हम लोगों ने संकल्प लिया है। 70 लोगों को, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनको कोई उपकरण देने की बात हो तो एक जिले में कम से कम 70 दिव्यांग भाइयों की व्यवस्था करने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है। उसी तरीके से लगभग 70 वर्चुअल रैलीज होंगी और जिले में कम से कम 70 वृक्षारोपण हो, 70 जगह पर वृक्षारोपण हो, इसका कार्यक्रम हो। इस तरीके से 70 लोगों से संपर्क करके सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी जाए। तो यह सेवा सप्ताह में एक सप्ताह हम 14 तारीख से 20 तारीख तक करने वाले हैं। पिछले 15 दिन से हम ये काम कर रहे हैं, आने वाले 17 दिन 17 सितंबर को हमारा ये लास्ट दिन था। मुझे लगता है कि 16 के दिन ही हमें 70,000 पौधे ख़त्म करके 17 के दिन और भी ज़्यादा अगर पौधा लगाने का मन होता है तो हम वृक्ष लगाएंगे।